मध्य प्रदेश के बैतूल में एवीवीपी कार्यकर्ताओं ने नीट परीक्षा मामले में सोशल मीडिया पर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी द्वारा अलग अलग दिए जा रहे बयानों के विरोध में प्रदर्शन किया है। एसपी ऑफिस के सामने एवीवीपी कार्यकर्ताओं द्वारा जीतू पटवारी और दिग्विजय सिंह का पुतला दहन कर जोरदार नारेबाजी करते हुए पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी पर FIR दर्ज कराने की मांग भी की गई है। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने कहा कि बिना किसी प्रमाण के एबीवीपी पर नीट पेपर लीक के आरोप लगाए जा रहे हैं। एबीवीपी कार्यकर्ताओं का कहना है कि वास्तविकता तो यह है कि राष्ट्रीय टेस्टिंग एजेंसी द्वारा आयोजित नीट की परीक्षा में गड़बड़ी आने के बाद सबसे पहले एबीवीपी द्वारा ही विद्यार्थियों के भविष्य के साथ हुए खिलवाड़ पर विरोध कर मुद्दे की जांच CBI से कराने की मांग की गई थी, जिसके बाद अब कांग्रेसी नेताओं द्वारा अनगरल बयान दिए जा रहे हैं और राजनीतिक लाभ के लिए एबीवीपी को बदनाम किया जा रहा है। घटना हमारे सामने आ रही है तो विद्यार्थी परिषद सबसे पहले उसके खिलाफ आवाज़ उठाता है, वो छात्र के साथ हुए अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाते हुए न्याय की मांग करता है। विद्यार्थी परिषद एकमात्र ऐसा संगठन था, उस समय सर्वप्रथम हमने CBI जांच की मांग करी थी, लेकिन उसके विपरीत कांग्रेस के दो नेता दिग्विजय सिंह एवं जीतू पटवारी के द्वारा विद्यार्थी परिषद पे आरोप लगाया है। तो विद्यार्थी परिषद ये आपसे पूछना चाहती है कि किस आधार पर विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं पर आपने आरोप लगाया है, किस आधार पर विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता पर आरोप लगाया है।